नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते कल आपका सी टेट पेपर वन और पेपर टू दोनों का ही रिजल्ट आ चुका है। तो जिन अभ्यर्थियों ने सी टेट क्वालिफाई कर लिया है या जिन अभ्यर्थियों ने इस सी टेट को रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किया है और जो अभ्यर्थी सी टेट को पहले से ही क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी एक फायदे की बात है। तो इन्हीं सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सी टेट के एग्जाम क्वालिफाई करके आपकी डायरेक्ट नौकरी तो लगती नहीं है, बस आप किसी भी रिक्रूटमेंट में जिस रिक्रूटमेंट में सी टेट की डिमांड की जाती है उस रिक्रूटमेंट के लिए केवल आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बनना तो सबको टीचर ही है और ये आपने बस अभी फर्स्ट स्टेप पूरा किया है। अभी जो मेन जो स्टेप आपका वो सेकंड स्टेप है, जब आप किसी भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे उसके एग्जाम को पास करेंगे। अगर उस रिक्रूटमेंट में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बिल्कुल डिटेल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। गाइज, यदि आप डी ट्रिपल्स बी पीआरटी एग्जाम 2022 की मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि जब आप भविष्य में एग्जाम देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन क्वेश्चंस में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज या फिर दोस्तों प्रैक्टिस आपकी परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पर डी ट्रिपल्स बी पीआरटी पेपर वन पेपर टू के लिए 200-200 मार्क्स के मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस वाइज लेटेस्ट पैटर्न और दोनों ही भाषाओं पर आधारित है, हिंदी और इंग्लिश। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ साथ उन्हें एक्सप्लेन करके भी बताया गया है। और इन लाइव टेस्ट को देने के बाद आप जितने भी मार्क्स प्राप्त करते हैं उससे आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, ताकि जब आप भविष्य में मेन या फिर फाइनल एग्जाम देंगे वो आप गलती ना करें जो आप इस टेस्ट में गलती कर रहे हैं। आप इस डी ट्रिपल्स बी पीआरटी की टेस्ट सीरीज को हमारा कोड KASIYAN50 लगाने के बाद 149 में परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और एप्लीकेशन पर आपको एक फ्री में डेमो भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम सी टेट की बात करते हैं तो इसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दूं, आप कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमारे कम मार्क्स आए हैं लेकिन हमने क्वालिफाई किया लेकिन बहुत कम मार्क्स के साथ किया है। कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं हमने ज़्यादा मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, तो जिन अभ्यर्थियों के कम मार्क्स आए उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, और जिन अभ्यर्थियों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि उनका सिलेक्शन होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप खुश हो सकते हो, इसके पीछे जो लॉजिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सी टेट का एग्जाम केवल आप किसी भी रिक्रूटमेंट में जिसमें भी सी टेट की आपसे डिमांड की जाती है उसमें केवल उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उस रिक्रूटमेंट में कभी भी आपसे ये डिमांड नहीं की जाती कि आपके सी टेट में इतने मार्क्स होने चाहिए, और ना ही दोस्तों मैंने मतलब जो मेन मेन आपकी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट होती है उसमें मैंने कहीं ये देखा कि गेस्ट टीचर में जहाँ भी आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है उसमें आपके सी टेट के मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं, उसमें वही आपके जो क्वालिफिकेशन होते हैं उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो सी टेट का फिलहाल मैंने, आपने अगर देखा हो तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो भी मैंने मेन मेन रिक्रूटमेंट देखे कहीं भी दोस्तों मैंने ऐसा कोई रोल नहीं देखा सी टेट का कि जिसके सी टेट में ज़्यादा मार्क्स आए उसे प्राथमिकता दी जाए। बाकी दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो इंटरव्यू वगैरह देखे, प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर बनते हो तो वहाँ दोस्तों उनका अलग प्रोसेस हो सकता है, वो आपका आकलन प्रशीलन सी टेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सी टेट का एग्जाम है वो केवल एक शिक्षक के रूप में आप कितने योग्य उसी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये घबराना छोड़ दो कि आपने एक नंबर से क्वालिफाई किया या आपने बहुत ज़्यादा नंबरों से क्वालिफाई किया, तो इसमें आप छोड़ दो, जो इस भी रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई करेंगे उसकी तैयारी में आप लग जाइए। अब दोस्तों, इसके पीछे का एक लॉजिक ये जरूर हो सकता है, जिन अभ्यर्थियों के सी टेट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो निश्चित ही दोस्तों उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी है, तो कल को अगर कोई एग्जाम देंगे जिसमें सी टेट के जो आप विषय थे उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं, पीआरटी में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, KVS में अगर आप टीचर बनते हैं, TGT PGT किसी भी पोस्ट पर, PRT और TGT, क्योंकि PGT में तो आपसे सी टेट की डिमांड नहीं की जाती कहीं भी, तो वहाँ पर भी दोस्तों जो सी टेट का आपका होता है वो पूछ लिया जाता है, बाकी TGT में सभी जगह नहीं पूछा जाता। जैसे दिल्ली की डी ट्रिपल्स के माध्यम से TGT के जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलते हैं इसमें सी टेट का कहीं भी नहीं पूछा जाता। 100 नंबर का कॉमन आता है TGT के लिए, मैं बात करूँ, PRT में तो आपका जो 100 नंबर का विषय संबंधित आता है वो सी टेट का पूरा उपयोगी रहेगा, लेकिन TGT की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोस्तों जो 100 नंबर का विषय संबंधित होता है 90% दोस्तों जो उसमें आता है आपका एग्जाम वो जिस भी विषय का आप शिक्षक बनने वाले उससे संबंधित है, केवल 10% आपका सी टेट से संबंधित आता है। और सी टेट भी क्या है, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले उसको कितने प्रभावीपूर्ण तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा फायदा हो सकता है आपके सी टेट में अच्छे मार्क्स लाने का, लेकिन जो अभ्यर्थी सी टेट में मेहनत नहीं कर पाए, कल को जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें अप्लाई करूँ उसमें मेहनत कर लेंगे, तो दोस्तों सी टेट के नंबरों का कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जो भी सी टेट में जितने भी आपने मार्क्स क्वालिफाई किया आपका सी टेट क्वालिफाई हो गया, आप जिस भी रिक्रूटमेंट में सी टेट की डिमांड की जाती है उस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। मुख्य रूप से जैसे आपका NVS हो गया, KVS हो गया, और दिल्ली में जो आपको डी ट्रिपल्स के माध्यम से टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों और भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट होती है लेकिन जो मेन रिक्रूटमेंट होती है जिसमें सभी तरह के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वो यही होती है। बाकी स्टेट की निकलती है, स्टेट में कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं मैं दिल्ली का हूँ इतनी दूर नहीं पढ़ा सकता,
और कुछ स्टेट की रिक्रूटमेंट में ऐसा होता है केवल उसी स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने KVS NVS D++ केवल दोस्तों केवल एक बोर्ड है, लेकिन जो आप शिक्षक बनते हैं दिल्ली में बनते हैं तो ये बोल सकते हैं दिल्ली सरकार की रिक्रूटमेंट हो गई या सेंट्रल में KVS NVS की होगी, तो यही मेन होती है, इसमें आपसे CTET की डिमांड की जाती है। बाकी एक बार से दोबारा मैं आपको बता दूँ, PGT में दोस्तों मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में आपसे CTET की डिमांड नहीं की जाती। CTET केवल आपका पेपर 1 PRT के काम आता है और पेपर 2 आपका TGT के काम आता है। मतलब पहली से 5वीं तक आपका CTET पेपर 1 काम आएगा और 6ठी से लेकर 12वीं 10वीं तक, अब चाहे 6ठी से 8वीं तक बन रहे हैं, 9वीं 10वीं के जैसे भी आप देख लेना, TGT का जो होता है 6ठी से 10वीं तक, उसमें आपका पेपर 2 काम आता है। बाकी दोस्तों आपको ये भी पता ही होगा कि इस बार जो CTET अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है तो उसमें अगर हम परसेंटेज के नज़रिए से देखें तो काफ़ी कम प्रतिशत अभ्यर्थियों ने CTET को क्वालिफाई किया है। अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की नहीं बात कर रहा, वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था उसके हिसाब से देखें तो काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने CTET को क्वालिफाई कर अभ्यर्थी CTET को इस बार क्वालिफाई कर पाए। तो इसमें दोस्तों फ़ायदा ये होगा जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए भी, और जिन्होंने इस बार का CTET क्वालिफाई किया उनके लिए भी, कि आप जानते हैं जो मेन रिक्रूटमेंट होती है उसमें आपसे CTET की डिमांड की जाती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो जिस लेवल का अगर मान के चलो इस बार CTET का रिजल्ट 30-40% आ जाता तो आपका कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। CTET का कम प्रतिशत अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, तो जिन मैं उनकी नहीं कह रहा, जो अभ्यर्थी हमारे क्वालिफाई नहीं कर पाए, निश्चित ही आगे जो CTET होगा उसको क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली टीचिंग की ही कर रहे हैं, ठीक है, TGT PGT PRT के लिए, कहीं से भी आपको किसी भी तरह से अगर मोटिवेशन मिलता है ना तो उसको आपको अप्लाई लेना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मविश्वास के साथ आप अपनी तैयारी करोगे तो दोस्तों आपके सिलेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं उस लेवल के अभ्यर्थियों ने उस परसेंटेज पर CTET को अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई नहीं किया जिस पे होना चाहिए था, तो इससे कंपटीशन पर दोस्तों आपका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन दूसरी बात दोस्तों मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि आप जानते हैं कि एक्चुअल जो ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते हैं उन अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होती है और उन्हीं अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप भीड़ को देख के आपको कभी भी नहीं घबराना है, ठीक है। अगर आपको भीड़ को देख कर घबराने आपको घबराहट होती है तो दोस्तों दो तीन बातें ध्यान रखना। एक तो टीचिंग के अलावा अदर रिक्रूटमेंट देख लीजिए, उसमें कॉम्पिटिशन देखिए, जैसे जो LDC UDC वगैरह की निकलती है जिसमें 12th ग्रेजुएशन के बाद आपको सीधा अप्लाई कर देते, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन देखना, अपनी टीचिंग लाइन में कॉम्पिटिशन देखना, ठीक है। प्लस आपसे CTET मांग ले जाता है, इसमें जो BEd वगैरह BTC डाइट कर रखे उनमें से और भी संख्या आधी हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है। तो कंपटीशन दोस्तों हाल फिलहाल में टीचिंग में इतना नहीं है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन अगर आप और रिक्रूटमेंट देखोगे उसके हिसाब से काफ़ी कम कंपटीशन है, तो इसका आपको निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करोगे तो दोस्तों आपकी नियुक्ति हो जाए इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। बाकी दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किया जिस बार का किया है, अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर तो आपको पता ही होगा, तो रिजर्वेशन का दोस्तों ऐसा होता है, देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC EWS या जनरल, ठीक है, अगर आपके 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स है, 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं, आप हर रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो दोस्तों जिस भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करोगे तो उस रिक्रूटमेंट में भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी होनी चाहिए, तो जब भी आप उस CTET को कम मार्क्स में अगर आपने क्वालिफाई किया जब भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये कैसे, जैसे DSS भी हो गया, KVS NVS हो गया, KVS NVS सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है, DSS भी क्या आपकी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा राजधानी है भारत की दिल्ली, तो इसमें भी ऐसा नहीं होता कि जो बाहर वाले अभ्यर्थी होते हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता। आप जिस भी कैटेगरी में उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ CTET में कम भी मार्क्स है तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको उसी कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो आपको कहीं एग्जांपल के लिए ऐसे में बता रहा हूँ, उत्तराखंड में कोई रिक्रूटमेंट निकली, आप दिल्ली के मूल निवासी हो, अब उत्तराखंड के जो रिक्रूटमेंट है टीचिंग के उसमें ये बोला जा रहा है कि बाहर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन कैटेगरी में केवल उन्हें काउंट किया जाएगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी बाहर के उत्तराखंड से वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में करना होगा अगर उस रिक्रूटमेंट में आपसे CTET की डिमांड कर ली। तो दोस्तों वहाँ पर अगर आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है तो निश्चित ही दोस्तों अगर आपके CTET में 90 से कम मार्क्स होंगे, अगर आपने कैटेगरी में CTET को क्वालिफाई किया होगा तो फिर वहाँ पर वो आपका CTET मान्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी DSS भी में OBC कैटेगरी का थोड़ा सा अलग होता है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखे अगर आपने OBC कैटेगरी में अगर CTET को क्वालिफाई किया तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी SC ST और जनरल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही फिलहाल आपसे चर्चा करनी थी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित ही अपने अपना CTET क्वालिफाई कर लिया, फिर आप भविष्य में करोगे और आप एक शिक्षक के रूप में अपने आपको देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा चैनल केवल इस जो भावी शिक्षक है उन्हीं के लिए, तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस टीचिंग पोस्ट से संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।